हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुबिलेंट फार्मा शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए इस स्टॉक में, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जुबिलेंट फार्मा शेयर के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक में आज 7.5% का एक शानदार उछाल देखने को मिला। लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 18.82% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और लास्ट अगर हम लोग 6 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक ने 83.5% का एक शानदार रैली किया है। तो चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इम्पॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अगर इन केस अभी तक आप लोगों ने ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही जगह हम लोगों ने जुबिलेंट फार्मा को 500 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 510 के लेवल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लगातार जो है हम लोग रेगुलर बेसिस पे जिस किसी भी चार्ट पे एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पैटर्न देखने को मिलता है, कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहे। इनकेस अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है, एवरीथिंग आपको डिटेल में कवर किया जाएगा, जिससे कि आप इजीली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जुबिलेंट फार्मा शेयर के ऊपर। जुबिलेंट फार्मा में एक शानदार तेजी देखने को मिला। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक में जो है एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पे क्लोज हुआ है। 1000 के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक ने क्लोज दिया है। अगर मंथली चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई आज लगाया 1048 का। इससे पहले स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था 1046.95 का था। स्टॉक 1000 के लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है। अभी मंथली बेसिस पे क्लोज नहीं हुआ है, डेली बेसिस पे हुआ है। मंथली कैंडल को क्लोज होने में अभी समय है। अगर यहाँ पे 1000 के लेवल के ऊपर स्टॉक लगातार सस्टेन करता है तो फिर एक ये आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेकेंड थिंग अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली एक रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो 2016 से ही स्टॉक जो है आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छा मूव किया, वापस से गिरावट हुआ। अगेन अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है अच्छा मूव किया, वापस से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हुआ, और अगेन अब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक जो है 2016 ऑनवर्ड्स लगातार इस चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, जहां पे कि अब हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है डेली बेसिस पे आपको इस लेवल पे क्लोज हो चुका है। इससे पहले अगर देखेंगे 2021 में वीकली बेसिस पे स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। 2018 में भी स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। तो अगर वीकली बेसिस पे भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को और देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो या फिर चैनल पैटर्न हो, ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हो जाता है डेप्थ, और यहाँ पे जो डेप्थ है ये है ऑलमोस्ट आपको 750-800 पॉइंट का। यानी कि अगर 750 पॉइंट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की साइड में 1000
700-1800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी लगातार सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा भी जो है आपको लगातार जो है हाई लगा रहा है, और साथ ही साथ सभी स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के उनमें भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो आप स्लो एंड स्टडी करेंगे या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर। अगर हम लोग फंडामेंटली बात करेंगे तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस है, 2019 में स्टॉक कंपनी ने अपना हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया था 9111 करोड़ का। उसके बाद से हम लोगों को सेल्स में गिरावट देखने को मिला, बट वंस अगेन जो है 2021 से धीरे धीरे यहां पे सेल्स रिकवर करना स्टार्ट किया है, और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 6703 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। एक और जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है वो गिरावट है आपको लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि अगेन अब यहाँ पे आपको वापस से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। लगातार जो है कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट जरूर कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जरूर लॉस किया था, बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगेन फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुका है। लगातार जो है कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट कर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 16,423 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन जो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही काफ़ी कम है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस 3 ईयर का सेल्स में भी हम लोगों को एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। जिस रेट से कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको ऊपर की साइड मूव कर रहा है, फंडामेंटल कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। फंडामेंटल इसलिए मिसिंग है क्योंकि अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 3% के CAGR से है, प्रॉफिट ग्रोथ 64% से आपको रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है 18% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक फंडामेंटल मिसमैच होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी के ऊपर आपको डेट बना हुआ है, डेट में यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास 50.67% का होल्डिंग है, FII के पास 19.5% का होल्डिंग है। FII ने यहाँ पे 0.4% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। DII के पास 4.06% का होल्डिंग है। DII ने भी यहाँ पे अपने स्टेक को तकरीबन 0.3% से इंक्रीज किया है। रेस्ट आपको पब्लिक के पास 25.18% का होल्डिंग है, यहाँ पे कि 3.15% का होल्डिंग रेखा झुंझुनवाला जी के पास है। रेस्ट जो है IEPF के पास 1.24% का होल्डिंग है, तो अप्रोक्सीमेट 4.5% का होल्डिंग जो है आपको HNI के पास है। रेस्ट 21.5% का होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास है। सबसे जो कंसर्निंग फैक्टर है वो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगातार कंपनी का डिक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जरूर इम्प्रूव हुआ है, आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी का और फाइनेंशियल इम्प्रूव हो सकता है। तो कंपनी टेक्निकली तो काफ़ी साउंड है, बट फंडामेंटली यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो है। इसका इफेक्ट हम लोगों को आगे देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।